आप सभी को मेरा नमस्कार। एसपी डिजाइनिंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक और नया वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए। तो मैं आपको दिखा दूँ, ये वाला पिंक कलर में कुर्ता है जो हम पटियाला कुर्ते की कटिंग करेंगे। तो आप देख सकते हो ये वाला जो फैब्रिक लिया है मैंने पिंक कलर का है और इसमें ये वाइट प्रिंट बनी हुई है। तो आप ये देख सकते हो कितना प्यारा हमारा जो ये फैब्रिक है, इसका कलर है और इसका कपड़ा भी बहुत ही अच्छा है। आप कोई से भी मौसम में पहन सकते हो इसको, बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा है। तो आप ये देख सकते हो ये 2 मीटर कपड़ा लिया है मैंने। तो मैं इसका जो पैंट है वो तो अभी स्टिचिंग नहीं, उसकी कटिंग नहीं बताऊंगी मैं, सिर्फ इसमें जो ये पटियाला कुर्ते का जो हम ऊपर का कुर्ता सिलते हैं ना उसी की कटिंग बताऊंगी। तो ये 2 मीटर का फैब्रिक लिया है मैंने। तो जो कुर्ता है हमारा, उसमें सबसे पहले क्या होता है कि हमें जो हमारा कुर्ता होता है उसकी लंबाई प्लस उसकी मोटाई प्लस उसकी वो पूरी जो नाप होती है वो लेनी है। तो इसकी जो हमारी नाप होगी हमारे कुर्ते की, तो इसकी जो लंबाई होगी वो हमारी 36 इंच होगी प्लस इसकी जो मोटाई होगी वो सीने पे से 40 इंच व पेट पे से 35 इंच और कमर में से 41 इंच की होगी। और इसकी जो आस्तीन की लंबाई करेंगे हम, आस्तीन की लंबाई इसकी 4 इंच ही करनी है हमें और आस्तीन की मोटाई इसकी 12 इंच होगी। और जो शोल्डर में से हम लेंगे इसकी मोटाई, वहाँ से हम इसकी 18 इंच लेंगे। तो हमारी जो हमने ये लंबाई ली है उसके हिसाब से हमारा ये फैब्रिक है, इसको हमें काटना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये फैब्रिक हमारा 2 मीटर में है तो इसको खोल के हम इस प्रकार से अलग कर लेंगे। इसको खोल के तो आप देख सकते हो इस प्रकार से हमने खोल लिया। तो ये वाला हमारा क्या लंबा, जो जैसे कि हम बोलते हैं लंबा पैना और आड़ा पैना, तो ये हमारे लंबे पैने में है। तो हम क्या है इसकी पहले ये जो ये चौड़ाई है ये नापनी है हमें हमारे कुर्ते की जो मोटाई है उसके हिसाब से। तो हमारा जो कुर्ता है उसकी मोटाई हमारी 40 इंच थी, तो उस हिसाब से हमें नाचनी है नापनी है इसको 40 इंच। तो हमें इसकी जो मोटाई है इसकी सिलनी है वो मोटाई लेनी है प्लस 2-2 इंच हमें साइड में से स्टिच करने के बाद में 2-2 इंच का गैप रखेंगे। तो हमारा ये 44 इंच का इस प्रकार से हमें 44 इंच का लेना है। तो अगर ये 22 इंच का हो जाएगा हमारा तो हम लंबे पैने में से काटेंगे और 22 इंच का हमारा नहीं होगा तो हम इसको आधा करके काटेंगे। तो मैं आपको बता दूँ कि आप देख सकते हो इसकी जो लंबाई आ रही है वो 21 इंच पे आ रही है। अब देख सकते हो 21 इंच पे इसकी जो चौड़ाई आ रही है वो 21 इंच पे आ रही है। तो 21 ये डबल फोल्ड कर रखा है मैंने आगे और पीछे दोनों का एक साथ। तो 21 में हमारा क्या है कुर्ता है इसकी मोटाई फिक्स नहीं बनेगी। तो हम इसको क्या करेंगे, जो इसको इस प्रकार से आड़ा पैना करके काटते हैं ना उस प्रकार से हम इसकी चौड़ाई लेंगे। देख सकते हैं इस प्रकार से मैंने इसकी जो ये आड़ा पहना था उस प्रकार से मैंने इसको ये कर लिया है और इस प्रकार से मैंने यहाँ पे 24 इंच पे ले लिया है। क्योंकि हम जो साइड में हम टांका देंगे तो अगर बाद में हमें थोड़ा टाइट या लूज करना हो तो हमारे इसमें ऑप्शन होना चाहिए, हमारा कुर्ता वेस्ट नहीं होना चाहिए। इस वजह से हम पहले ही 2-3 इंच एक्स्ट्रा ले कर चलेंगे। तो हमारी जो मोटाई है वो है हमारी 36 इंच है, सॉरी 40 इंच है। तो 40 इंच के हिसाब से हमारी जो 20 इंच पे हमारे पूरा आ जाएगा। तो हमने 8 इंच हमने एक्स्ट्रा ले लिया है क्योंकि हमारी 1.5-2 इंच स्टिच करने में जाएगी प्लस हमारा थोड़ा बहुत लूज भी होना चाहिए। इस वजह से मैंने इस प्रकार से ये ले लिया है। और तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो हमने लिया है फैब्रिक इसको इस प्रकार से यहाँ से हम काट लेंगे, जितना हमारे कुर्ते की जो चौड़ाई होगी मोटाई होगी उस हिसाब से हम कुर्ते को काट लेंगे इस प्रकार से। तो काटते समय हमें बिल्कुल सीधा करना है, टेढ़ा नहीं करना है, नहीं तो हम कुर्ता जोड़ेंगे, हमारा आगे का और पीछे का पोर्शन जोड़ेंगे तब हमारा कुर्ते में मिस्टेक आ जाएगी। तो हमें ये सीधा का सीधा ही काटना है।
काट लिया, अब हम इसको आडा कर लेंगे ताकि हमें काटने में बाकी इसकी आसानी हो। तो इसकी जो लंबाई लेनी होगी हमें वो 36 इंच की लेनी है हमें कुल लंबाई। तो 36 में हम 2 इंच और जोड़ देंगे, हम नीचे की साइड से इसको फोल्ड करेंगे और ऊपर की साइड से इसको अटैच करेंगे, उस वजह से 2 इंच और जोड़ देंगे। तो इसको हम 38 इंच की जो हमारी ये लंबाई होगी 38 इंच की लेंगे हम। तो आप देख सकते हो हमारी 38 इंच की लंबाई यहाँ पर आ रही है। तो हम 38 इंच पे इसका निशान लगा के और इसको 38 इंच पे से काट लेंगे। तो इस प्रकार से हम 38 इंच पे निशान लगा लेंगे। आपको कुर्ता लंबा करना हो तो आप आपके लंबाई के अकॉर्डिंग ले सकते हो। तो मैं इसको काट कर तैयार कर लेती हूँ, लंबाई भी काट ली है। अब जो हमारी ये दोनों पोर्शन है, ये जॉइंट है, इसको भी हम काट कर दोनों को, जो हमारा आगे का और पीछे का जो हमारा पोर्शन है कुर्ते का, उसको भी हम काट कर अलग कर लेते हैं। तो इसको भी काटते समय हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो ये कुर्ता है बिल्कुल भी टेढ़ा वेढ़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सीधा हमारा जो ये साइड में से ये जॉइंट है ये कट कर तैयार हो। तो इस प्रकार से हम इसको सीधा का सीधा ही काट लेंगे। देख सकते हो हमारे जो दोनों आगे के और पीछे का दोनों कपड़े थे वो मैंने काट कर तैयार कर लिया। अब हम इसको क्या है कि इसको बैक गला और जो हमारा सामने का गला है उसे हमें गोली करना है। तो दोनों का गला हम एक साथ ही काटेंगे, एक साथ मतलब बिल्कुल भी हम अलग अलग झंझट नहीं करेंगे, तो हम एक साथ ही गला काटेंगे। तो इस प्रकार से हमें इसको वापस से फोल्ड करना है। तो ये हमारा 4 बार फोल्ड हो जाएगा, उसके बाद हमें गला काटने में आसानी होगी। तो इस प्रकार से हम इसको फोल्ड कर लेते हैं बढ़िया बिल्कुल अच्छे तरीके से फोल्ड कर लिया है। तो हमें क्या है, गला काटने के लिए हमें हमारे गले की चौड़ाई लेनी होगी। तो गले की चौड़ाई हमें 2.5 इंच पे लेनी है। तो अब देख सकते हो 2.5 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगा देंगे और हमारे जो गले की लंबाई होगी वो हमें 7 इंच पे लेनी है। तो हमें पीछे का गला भी इसी के बराबर करना है, हमारा पीछे का गला भी हमें इतना ही करना है, ज़्यादा बड़ा नहीं करना। तो 7 इंच पे हम इस पे निशान लगा देंगे और इन दोनों को सीधा करके इस प्रकार से मिला देंगे। तो मैंने गला का तो ये मिला लिया। इधर ही हमें शोल्डर लेना है, तो शोल्डर हमारा 3 इंच का लेना है हमें, ऊपर से 3.5 इंच का ले लेंगे, क्योंकि आधी इंच हमारी गले और शोल्डर में हम अटैच करेंगे तो आधी इंच उसमें लगी जाएगी। तो इस वजह से हम इसको 3.5 इंच का ले लेते हैं। अब देख सकते हो इस प्रकार से हमें इसको 3.5 इंच पे निशान लगाना है। तो हमारा जो शोल्डर है उसकी मोटाई थी 12 इंच, तो यहाँ से हम 6 इंच की लंबाई लेके इसको इस प्रकार से गोलाई दे देंगे। शोल्डर का भी ये निशान लगा लिया है और गले का भी निशान लगा लिया है। तो अब हम इसको इस प्रकार से ही कट कर लेंगे। जो हमारे गले की गोल कटिंग है वो हमें इसी प्रकार करनी है ताकि हमारा जो गला है बिल्कुल गोल कटे। तो इस प्रकार से हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा गला बिल्कुल गोल कटना चाहिए, बिल्कुल हमें इसको बिल्कुल स्लो और बिल्कुल तरीके से हमारे गले की कटिंग हमें काट कर तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हो हमारा जो गला है वो कट चुका है। तो गले को मैं बाद में दिखाऊंगी, साथ ही जो हमारा ये आस्तीन का शोल्डर का है हमें आस्तीन अटैच करेंगे उसको भी मैं काट लेती हूँ। तो आप देख सकते हो हमारा जो आगे का और पीछे का दोनों पोर्शन थे हमने एक कट में हमारा गला और ये दोनों काट कर तैयार कर लिए हैं। तो अब मैं आपको हमारा जो गला है वो दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हो हमारा गला कितने अच्छे से कट कर तैयार हुआ है। और जो हमारी आस्तीन थी वो हमें 4 इंच लेनी है। तो 4 इंच हमारा जो ये नीचे वाला कपड़ा निकला था, हमारा कपड़े की लंबाई ज़्यादा थी तो ये नीचे वाला कपड़ा निकला था, इसमें से मैंने 4 इंच की आस्तीन, आप देख सकते हो ये 4.5 इंच पे आ रही है, तो आधी इंच हमारी स्टिच करने में जाएगी प्लस 4 इंच की जो हमारी ये आस्तीन है ये हो जाएगी। तो हमारा कुर्ता पूरा कट कर तैयार हो गया है। और हमारे कुर्ते की कटिंग अगर आपको पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए राम राम।